हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज भी मैं आपके लिए एक जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये जॉब अपडेट IREL इंडिया लिमिटेड तरफ से निकल के आ रही है, जो भारत सरकार की एक अंडरटेकिंग कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जॉब अपडेट किन के लिए है, इसे कैसे अप्लाई करनी है, फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि IREL इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत सरकार की मिनी रत्न कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है जो टेक्निकल पोस्ट है जो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए। उससे पहले बात कर लें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है, यानी कि आप आज से इसे अप्लाई कर सकते हैं, 15 सितंबर से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 5 अक्टूबर तक है, यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आपके लिए है। फर्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल, ठीक है। जैसे कि मैं देख सकते हैं कि डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये 5 पोस्ट निकल के आई हुई है। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, मैं सारी डिटेल बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बता दूँ, इनमें जो टोटल पोस्ट आपकी निकल के आई हुई है वो है डिप्लोमा ट्रेनी की 18 पोस्ट है, और ITI वालों के लिए कुछ पोस्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, पहले डिप्लोमा वालों की जो टोटल सीट है वो है 18 सीट है। इनमें से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट जो वो कैसे डिवाइड है। जनरल वालों के लिए 10 है, SC ST वालों के लिए 2 और 1 है, OBC NCERT वालों के लिए 4 और WS वालों के लिए 1 सीट रखी गई, ठीक है। इसमें पहले आपको पता है कि ये जितनी भी अंडरटेकिंग कंपनी हो जाती है, इनमें आपको पहले कुछ टाइम के लिए आपको एज ए ट्रेनी रखा जाता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसके बाद आपको एक फिक्स पोस्ट दे दी जाएगी। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 30,850 रुपीज़ होगी, प्लस HRA और बाकी जितनी भी कंपनी की तरफ से आपको बेनिफिट मिलते वो सारी चीज़ें होंगी। उसमें आपकी जो पोस्ट होगी वो S0 ग्रेड की होगी, ठीक है। फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2 ईयर्स की आपको ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपकी जो ग्रेड हो जाएगी वो S1 ग्रेड की पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए कौन सी पोस्ट है। ITI वालों के लिए जो पोस्ट है उसका नाम है ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI, जिसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, ये 3 पोस्ट निकल के आए हुए। ये जो टोटल जो वैकेंसी वो आपकी 20 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ सीट जो है वो डिवाइड है। इसमें भी आप जब ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 20,000 रुपीज़ दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी 22,000 से लेकर के 88,000 बेसिक पे आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, इसे कैसे अप्लाई करें, बाकी डिटेल्स इसकी क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो डिप्लोमा रखी गई होगी, ठीक है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग, आपने अगर 3 ईयर्स डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है, या केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, या मैकेनिकल से किया है, या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग से, अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने 3 ईयर्स डिप्लोमा किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थे आपकी डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। सेकंड, आपकी जो ITI पे पोस्ट आई हुई है उसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। तो ITI वाले जो पोस्ट, उसके नाम है ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI, ठीक है। फीटर और इलेक्ट्रिशियन, अगर आप इस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हो और साथ में आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से ITI या NAC 2 साल का किया हुआ हो, यानी कि आपने ITI 2 साल का किया हो फीटर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, या आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो फीटर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करें, बाकी इसके डेट के बारे में। अपने देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो आपको एज रजिस्ट्रेशन दी जाएगी वो SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स, OBC NCERT वालों के लिए 3 ईयर्स, बाकी अदर कैटेगरीज को आप देख सकते हैं कि कितने कितने ईयर्स की एज रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। हम देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करें, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगी। तो आप जानते हैं कि टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी सिलेक्शन, फर्स्ट आपकी लेवल होगी रिटन टेस्ट, और सेकंड आपकी होगी स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो क्वेश्चन होगी वो किस लैंग्वेज में आएगी। इसकी जो क्वेश्चन होगी आपको हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल में आपको मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट है उसके लिए क्या क्या पेपर का पैटर्न क्या होगा। डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए जो पैटर्न होगा आपके क्वेश्चन के, वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपके 100 मार्क्स की होगी, पेपर 2 आपके 50 मार्क्स की होगी। पेपर 1 में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन ए में आपके जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन, और सेक्शन B में आपके स्पेशल, आप जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर में आपके जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ITI वालों के लिए जो पोस्ट, उसके लिए क्या
पेपर पैटर्न है। फर्स्ट आपके पेपर जो होगी उसमें 50 मार्क्स की, और पेपर टू आपकी होगी 50 मार्क्स की। पेपर वन में आपकी जो है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे अपने जिस भी ट्रेड से आई टी है, और पेपर टू में आपके जनरल क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी जो है आई टी आई डिप्लोमा वालों के लिए वो आपकी है, मिनिमम मार्क्स आपकी रखी गई है जनरल वालों के लिए 25 मार्क्स पेपर वन में, और पेपर टू में भी 25 मार्क्स, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू वालों के लिए 23 मार्क्स पेपर वन में और 22 मार्क्स पेपर टू में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, आपकी जो स्किल टेस्ट होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, उससे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी। आपके सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया पहले जान लें कि फॉर्म फिलअप करने से पहले कि आपको सेंटर कहाँ दिया जा सकता है। तो अगर आप ट्रेड्समैन ट्रेनिंग आई टी आई यानी कि पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक ही सेंटर है, वो होगा भुवनेश्वर। ठीक है, आपको इसी जगह पर जाना होगा एग्जाम देने के लिए, आपकी फिक्स है। और आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 3 सेंटर्स के लिए रखी गई, एक मुंबई, त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर, इन तीनों में से किसी एक जगह पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं बाकी इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। आपको स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कुछ टाइम के लिए पहले 2 ईयर्स के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस आप कर दिए जाएंगे, फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट वालों के लिए क्या सिस्टम है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी रीजन से आप वेटिंग लिस्ट में है तो आपको 1 ईयर तक वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, अगर उन्हें जरूरत होगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं एग्रीमेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, इसमें जो एग्रीमेंट बॉन्ड है वो सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, आईडिया वालों के लिए कोई भी एग्रीमेंट बॉन्ड नहीं है। तो अगर आप डिप्लोमा पोस्ट के थ्रू अगर आप जाते हैं डिप्लोमा बेसिस पे तो आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो 50,000 रुपीज़ का होगा जनरल और ओबीसी वालों के लिए। अगर आप एससीएससी या पीडब्ल्यू से बिलोंग करते तो आपका जो बॉन्ड होगा वो 25,000 रुपीज़ का होगा। अगर आप मिनिमम 3 ईयर्स आपको इस कंपनी में वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बॉन्ड में जितनी भी फाइन रखी गई है आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी। अगर आप ट्रेड्समैन आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी ओडिशा सैंड कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑस्कॉम में होगी, यानी कि ओडिशा में आपकी ये पोस्टिंग की जाएगी, ये फिक्स है। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनके किसी भी यूनिट या ऑफिस या किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर आपको ड्यूटी दी जा सकती है। तो और भी डिटेल के बारे में बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप ट्रेड्समैन आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी 400 रुपीज़ की फॉर्म फी एप्लीकेशन फी लगेगी। हम देख लेते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, www.iadli.co.in पे जाना है, फिर आपको सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करना और एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको सारे डिटेल्स फिल करनी है, ये सारे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको रिसीव होगी ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे, उससे आपको फिर लॉग इन करना है, फिर आपको सारे डिटेल्स फिल करके अपने सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी। ठीक है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी पोस्ट नहीं करनी है। और भी कुछ डिटेल्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। इसके आप देख सकते हैं कि आपको पहले भी बताया था मैंने, ये क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसे फिल कर सकते हैं। आपकी जो कंप्यूटिंग एज होगी या जो आपकी एक्सपीरियंस होगी वो काउंट की जाएगी 5 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि 5 अक्टूबर 2021 तक आपके सारे क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस होगी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि IRL की तरफ से क्या नोटिफिकेशन किया है, इसे कैसे अप्लाई करनी है, सारी डिटेल के बारे में बात कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में से मेंशन जरूर करें। आप यहाँ से हमारे डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।